हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है, ये एक शॉर्ट रीडिंग है और बिल्कुल टाइमलेस है। सो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो हमारे पास आ गया है 5 of Pentacles। सो हो सकता है कि ये इंसान एक लॉस की फीलिंग में है। 9 of Swords, यस डेफिनेटली विद द 9 of Swords एंड देन 5 of Pentacles। और अगर ये मेल है, आई फील कि जैसे आपकी विंडो के बाहर से आपको देखते हैं, अगर तो ऐसा पॉसिबल है, पहले हुआ है, अगर वो आते हैं अक्सर आपके घर के बाहर तो विंडो से देखते हैं आपको, आपकी विंडो की तरफ देखते हैं कि आप हैं या नहीं। मे बी वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं। सो मे बी आपके घर के बाहर दूर से कहीं खड़े हो जाते हैं आपको देखने के लिए। वाओ, सो शुरू से अभी तक ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं रीडिंग में। शुरू से अभी तक हमें ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपका लॉस फील कर रहे हैं। सो आप में से कुछ लोगों की ये एक्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं भी है, कुछ लोगों की हो सकता है लड़ाई हुई भी है कुछ दिन से। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और वो आपको देख नहीं पा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है बिकॉज़ ये इंसान आपको देखना चाहते हैं। ये इंसान ज़्यादा दिन आपको देखे बिना उनसे रहा नहीं जाता है। आप लोगों का इस तरह का कनेक्शन है। लेट्स सी, उनका बहुत दिल करे आपको देखने का, आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का। Let's see what more. We have Knight of Pentacles. Yes, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। And I feel कि ये इंसान अभी भी आपके साथ अपना future देख रहे हैं, अभी भी आपके साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी देख रहे हैं, अभी भी ये इंसान आगे के लिए बड़े hopeful हैं। Loss वो feel कर रहे हैं आपका, lost हैं बहुत ज़्यादा। 6 of Wands. So double 6 किसी के लिए important हो सकता है। इसमें 6 of Wands आप देखेंगे बड़ा different इसमें इमेज है और इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये इंसान सबको बताना चाहते हैं कि आप उनके पर्सन हैं। देखें पीछे बहुत से लोग हैं, मे बी अपनी सोसाइटी में, मे बी अपने घर वालों को बताना चाहते हैं कि दिस इज़ माय पर्सन, मेरी इसके साथ कमिटमेंट है, मुझे ऑफिशियल करना है इस कनेक्शन को। शायद ये इंसान ये सोच रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है, अब हमें इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना है और उनको बड़ा प्राउड फील होगा कि आप उनके पार्टनर हैं। बहुत वो अभी भी प्राउड फील करते हैं कि आप उनके पर्सन हैं और वो सबको बताना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन के दिल में सिंपली एक, अगर लॉस नहीं भी है, आप लोग अगर सेपरेशन में नहीं भी हैं, तो ये इंसान, इनके दिल में एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है कि कहीं आपको कोई और ना चुरा ले उनसे। ये इनसिक्योरिटी उन्हें रहती है, वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। सो वो आपको अपना बना लेना चाहते हैं। इनके दिल में ये चल रहा है कि मुझे जल्द से जल्द इसको अपना बनाना है, सबको मुझे बताना है इससे पहले कि ये इंसान किसी और का हो जाए या ये किसी और की हो जाए। मुझे इसे अपना बनाना है और सबको बताना है कि दिस इज़ माय पर्सन, तो कोई इस पर नज़र ना रखे। सो दिस इज़ वेरी स्वीट, आई फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है स्ट्रेंथ। सो वो कह रहे हैं कि वो ऑल आउट जाएंगे नो मैटर व्हाट, जितने भी चैलेंजेस हों। अगर हम इस शेर को एज अ चैलेंज देखें ना, वैसे तो इस कार्ड के बड़े मीनिंग्स हो सकते हैं, बहुत सी वाइब्स हैं, बट इस सारी सिचुएशन में मुझे लग रहा है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड के आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं रास्ते में, जितनी भी मुश्किल आ जाएं, कोई कितनी भी ख़िलाफ़ हो जाए ना कोई भी आपके कनेक्शन का, जितने भी चैलेंजेस आ जाएं, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो ये कह रहे हैं वो हर हाल में इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करेंगे, चाहे कोई कितना ही लड़े, कोई कितना ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, वो फ़ाइट करेंगे, ऑल आउट जाएंगे आपके लिए, चाहे जितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो। सो ये इंसान बड़े मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने के लिए। ये इंसान चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत सीरियस हैं आपके लिए। सो इसमें जो ये एक प्राउड एलिमेंट है ना, कि मतलब ये इंसान बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं कि आप उनके साथ हैं और फील करते हैं कि जैसे वो ब्लेस्ड हैं, वो लकी हैं कि आप उनके पार्टनर हैं। सो उनको एक इनसिक्योरिटी सताती रहती है कि आपको किसी और का नहीं होने देना चाहते वो, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि मुझे अब कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, मुझे फ़ाइट करना होगा इस कनेक्शन के लिए, मुझे इसको अपना बनाना है। सो ये सोच रहे हैं आपके पर्सन।
सो ये आपकी क्विक एनर्जी अपडेट थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन लव यू लॉट्स. बाय बाय.